गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी, बैंकिंग स्पेशल करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा वीडियो बनाने हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये हेल्प मिले, ठीक है। हम लोग इसमें सारे पेड कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं ताकि आप लोगों को उतने महंगे पैसे चुकाने ना पड़े, ठीक है। तो और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिटेल में न्यूज़पेपर पीडीएफ्स और जो है पेड पीडीएफ्स और आपके प्रैक्टिस के लिए वेरियस पीडीएफ्स जो है हम लोग उस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट टॉप्ड इन फिश प्रोडक्शन बेस्ड ऑन वॉल्यूम एज पर एनुअल मरीन फिश लैंडिंग्स इन इंडिया फॉर 2019 रिपोर्ट ऑफ CMFRI, ठीक है। तो CMFRI के अनुसार 2019 में जो है फिश जो है वो सबसे मतलब प्रोडक्शन करने वाला सबसे ज़्यादा करने वाला कौन सा स्टेट था, ये था आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इस 2019 में सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द मिनिस्ट्री व्हिच हैज़ रिलीज द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक रिसेंटली। कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है। इसके ये बुक में क्या है कि आप मतलब कौन क्या करना सही है क्या गलत है, क्लिनिकल मतलब जो हॉस्पिटल या डॉक्टरी जो भी होता है प्रैक्टिस करना वो सही क्या है गलत क्या है, उसको लेकर जो है एक हैंडबुक रिलीज किया गया है, ठीक है। तो इसका कौन सा मिनिस्ट्री है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। 1 जुलाई को जो है ये लाइव ये किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच स्टेट हैज लॉ अमेंड्स फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट विच विल एनेबल द स्टेट टू इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट टू 5% फ्रॉम 3% ऑफ GSDP। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको लागू किया है, ठीक है। ये है आपके तेलंगाना, तेलंगाना ने उसको लागू किया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर डिटेल में है, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये डिटेल एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहते हैं ताकि आप लोगों को उसके बारे में पता चले और अगर एग्ज़ाम में पूछे गए तो आप उसको कर सके, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में घुमा के पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द स्टेट व्हिच हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन ओवर 1.30 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रिसेंटली। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि ये डिसाइड किया है कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि स्टेट में जो है अपने राज्य में जो है ग्रीनरी जो है और बढ़ा सके, ये है आपके उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, ठीक है, और इसका नाम रखा गया है सरगुजा उड़ीसा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड ए एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। तो कौन सा बोर्ड है जिन्होंने कि एक्सेलरेट विज्ञान नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है। ये है आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, What is the estimated outlay of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana between April November 2020 as per Department of Food and Public Distribution? तो गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने पैसे जो है ज़रूरत होंगे नवंबर तक इसको चलाने के लिए, ठीक है। ये है आपके 1,48,938 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCs थ्रू अ स्पेशल पर्पज व्हीकल रिसेंटली। नेम द कंपनी व्हिच सेट अप अ SPF कॉल्ड SLS ट्रस्ट टू मैनेजमेंट द ऑपरेशंस। तो कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अप्रूव किया है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जिसके तहत NBFCs एंड HFCs में जो है उनको और पैसे मिलेंगे, ठीक है। ताकि तो इसके लिए जो है एक स्कीम लॉन्च किया गया है, ये किसने किया है, ये है आपके SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ठीक है। SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड जो है इन्होंने ये लॉन्च किया है, यहाँ पर डिटेल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
Which bank has launched Insta loans against mutual funds especially facility in partnership with computer age management services? ठीक है दोस्तों, कौन सा बैंक है जिन्होंने कि इंस्टा लोन जो है एक देने का फैसला किया म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में? ठीक है, तो ये है आपके आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के साथ और मिलके ये देने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सक्सेडिंग शशांक मनोहर? तो किसको जो है इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी को, और जो कि शशांक मनोहर की जगह लेंगे? ये है आपके इमरान ख्वाजा। ठीक है, इमरान ख्वाजा जो है वहाँ पे जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी सूर्य नारायण हैज़ बिकम द न्यू एमडी ऑफ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020? वी सूर्य नारायण जो है उनको कौन से जनरल इंश्योरेंस में जो है आपके एमडी बनाया गया है? ये है आपके चोलामंडलम एमएस जनरल। ठीक है, इंश्योरेंस, तो इसके इसमें जो है इनको एमडी बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप फॉर्म्ड बाई यूएन चीफ फॉर ग्लोबल फूड समिट 2021? तो किनको जो है वो आपको इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप जो एक बनाया गया है उनका जो है उनके मेंबर रहे हैं ये लोग? ठीक है, तो ये है आपके एक बोथ वन एंड टू, मतलब रतन लाल और उमा लेले। ठीक है, इन दोनों को जो है ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as a permanent representative of India to UN and other organizations in Geneva? तो किनको जो है अपॉइंट किया गया एज ए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN? ठीक है, ये है आपके इंद्रामणि पांडे, इनको जो है परमानेंट बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग पिक्चर क्यों देखते हैं? जो लोग हमारे चैनल पे नए, वीडियो को नए देख रहे हैं, मैं इनको बता दूं कि पिक्चर देने का यही मकसद रहता है ताकि आप आंसर को दिमाग में बिठा सको। हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, जो हम लोग आँख से देखते हैं वही चीज़ हम लोग ज़्यादा देर तक याद रख पाते, इसलिए मैं पिक्चर के साथ देता हूँ ताकि आप लोग इसको आंसर को दिमाग में पूरा बिठा सको। आपसे 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स बाय ए कार्नेज कॉरपोरेशन? तो किनको जो है एक अवार्ड मिला है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स करके? ठीक है, ये है आपके 1 और 3, बोथ दोनों जन को मिला है, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज छेट्टी। ठीक है, इन दोनों को जो है ये अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हेड्स द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ? इनको जो है हेड बनाया गया है एक कमेटी का, जो कि ये ध्यान रखेगा कि क्रिमिनल लॉ जो है उसको और बढ़िया करेगा। ठीक है, ये है आपके रणवीर सिंह, ये देख सकते हैं, और इनको भी उस मेंबर का पैनल के हिस्सेदार है ये लोग भी। ठीक है, तो ये मेन है जिनको कि हेड बनाया गया है, रणवीर सिंह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु हेड्स द 9-member वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट बाई ईडाई टू स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ सियोरिटी बॉन्ड्स इशू बाई इंडियन इंश्योरेंस? तो क्या बोल रहा है इंश्योरर्स, वो कौन सा पर्सन है जिनको कि 9-member का एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाया गया है, जिसका हेड बनाया गया है ये ईडाई के तरफ से, ताकि जो स्टेबिलिटी है उस पर ध्यान दिया जा सके जो बॉन्ड इश्यूज होंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये है आपके जी श्रीनिवासन, इनको जो है उस मेंबर का हेड बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज वीनस मिशन विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च एट एंड ऑफ द 2023? तो 2023 के अंत तक जो है इंडिया का वीनस मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इनका नाम क्या रखा गया है? इनका नाम रखा गया है शुक्रयान 1। ठीक है, शुक्रयान 1 जो है इसरो के द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, और ये 2023 के अंत तक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ फ्लैश्ड ऑफ अ बेल 206B3 हेलीकॉप्टर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा रिसेंटली टू टैकल लोकस्ट अटैक? तो ग्रेटर नोएडा से एक हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया है, जो कि लोकस्ट अटैक जो है आपके जो टिड्डो का जो हमला हो रहा है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको आपका टैकल करने के लिए जो एक हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया है।
तो ये इनको किसने हरी झंडी दिखाई, ये है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ये देख सकते हैं, ठीक है, हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है, ठीक है, तो इन्होंने ये हरी झंडी दिखाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल फीचर ऑफ हायर एडुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स विच वॉज रिलीज्ड बाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। एक किताब जो है उनको लॉन्च किया गया है जिनका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एडुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, जो कि वेंकैया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनमें एम वेंकैया नायडू उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इनका राइटर कौन है, इनका राइटर है वी पट्टवी राम, वी पट्टवी राम जो है उनके द्वारा लिखा गया है और वेंकैया एम वेंकैया नायडू द्वारा जो है इनको आपका रिलीज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेटेड एनुअली। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है हर साल, ये आपके जुलाई 2 को जो है हर साल इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 वाज ऑब्जर्व्ड बिटवीन जून 28 टू जुलाई 4, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020। तो वर्ल्ड एलर्जी वीक जो है वो जून 28 से जुलाई 24 तक सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। इनका जो थीम रहा है वो क्या रहा है, ठीक है, ये है आपके एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विथ कोविड 19, ठीक है ना, ये इसका थीम रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच IIT अलॉन्ग विथ एम्स टू डॉक्टर डेवलप्ड एन ऐप कोपल 19 ट्रैक्स प्लाज्मा डोनर्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड 19। तो IIT और एम्स के डॉक्टर ने मिलकर एक ऐप बनाया है जिसका नाम कोपल 19 रखा गया है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको प्लाज्मा डोनर जो है जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनको ट्रैक करेगा कि कौन कौन रिकवर हो चुका है, तो उनसे प्लाज्मा लेके दूसरे को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये कौन से IIT और ने किया है, ये किया है आपके IIT दिल्ली और एम्स के डॉक्टर मिलके ये ऐप डेवलप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द PSU विच इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट प्रोमोटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो कौन सा PSU है जो कि स्टैब्लिश करेगा इंडिया का पहला ऐसा गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा, ठीक है। ये है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऐसा पहला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेट UT हैज़ लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है एक आपका कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है, इंग्लिश में प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट। ये है आपके न्यू दिल्ली जो है मतलब दिल्ली सरकार ने जो है ये शुरू किया है, ठीक है, कैंपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच बैंक हैज़ ज्वाइंड एज द ऑब्जर्वर इन पेरिस बेस्ड न्यूयॉर्क नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम रिसेंटली। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, पेरिस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीन द फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है, ये है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है इसको ज्वाइन किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडर विच ऑपरेशन द RBI हैज़ कंडक्टेड ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO फॉर परचेसेस एंड सेल ऑफ जी सक्सेस और 10,000 करोड़ ईच रिसेंटली। तो RBI जो है उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत कितने 10,000 करोड़ जो है आपके उसका परचेस करने का आपका डिसाइड किया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया आपका ऑपरेशन ट्विस्ट के जो है इनका नाम रखा गया और इसके तहत जो है आपको बहुत सारे 10,000 करोड़ के परचेस किए जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द बैंक विच ऑफर्स एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर्स नेम्ड जिप ड्राइव। कौन सा बैंक है जिन्होंने एक ऑटो लोन आपका कस्टमर्स के लिए लाए है जिसका नाम रखा गया है जिप ड्राइव, ठीक है, ये है आपके HDFC बैंक जो है आपका ये लॉन्च किया है, आपका ऑटो लोन लॉन्च किया है। दोस्तों हम अपने जो MCQs आते हैं ये, ठीक है, इसमें जो है हम लोग बैंकिंग का भी एक साथ में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। बैंकिंग का मैं अलग से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि डिटेल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो उसमें मैं MCQs नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप ऑलरेडी इसमें MCQs सारे जो बैंकिंग अवेयरनेस के है करेंट बैंकिंग अवेयरनेस उसको मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक कोलैबोरेटेड विद इनोविटी पेमेंट सॉल्यूशन रिसेंटली? कौन सा प्राइवेट बैंक है जिन्होंने कि इनोविटी पेमेंट सॉल्यूशन के साथ कोलैबोरेट किया है? यह है आपके कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया है इनोविटी पेमेंट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया इन मार्च 2020 व्हेन कंपेयर टू मार्च 2019 एज पर आरबीआई डाटा? तो एज पर आरबीआई डाटा के अनुसार एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया जो है वो मार्च 2020 में, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा है 2019 के मुकाबले, ठीक है। ये है आपके 2.8% जो है ये बढ़ा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। इंडियाज जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय डैश परसेंट इन FY21 एज पर केयर रेटिंग्स? तो केयर रेटिंग्स के अनुसार इंडिया का जीडीपी जो है वो कितना परसेंट तक घटने वाला है, ठीक है। तो ये है आपके 6.4%, ठीक है, 6.4% के से ये घटने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज लॉन्च द टूल किट फॉर द 6th एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ अर्बन इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? तो किन्होंने जो है एक टूल किट लॉन्च किया है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए, ठीक है। ये 6th एडिशन होगा, ठीक है। ये है आपके हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। इन्होंने हमारे जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इनके मिनिस्टर है ये, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, एक टूल किट स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द 2020 डायना अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क? तो कौन सा पर्सन है जिनको कि डायना अवार्ड मिला है ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए? ये है आपके फ्रिया ठकराल जो है, ये आप देख सकते हैं, 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, ब्रिटिश स्कूल, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो इनको जो है ये अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द ओवरऑल विनर ऑफ 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? तो किनको जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का, ठीक है, विनर घोषित किया गया है? यह है आपके कृतिका पांडे, ठीक है, राइटर है हमारे। तो इनको जो है विनर घोषित किया गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रत्नाकर मटकाड़ी हु इज इन न्यूज़ रिसेंटली इज ए रिनोन्ड? रत्नाकर मटकाड़ी हाल ही में न्यूज़ में रहा था, ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं? ये है आपके राइटर, मराठी राइटर है, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द गवर्नर ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फॉर्म्ड बाई NHAI टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोर्ड? तो किनको जो है सिलेक्शन कमेटी बनाया गया है NHAI टू अपॉइंट मेंबर्स एंड मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, बोर्ड में? तो ये है आपके सुखबीर सिंह संधू, इनको जो है चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। नीचे इसके बारे में डिटेल है, वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच वॉज द अमाउंट अप्रूव्ड बाई द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर कैपिटल एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेस जुलाई 2020? तो जुलाई 2020 में जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इन्होंने कितने पैसे देने का आपका दे दिया है ताकि जो है आर्म्ड फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे जा सके, ठीक है। तो ये है आपके 38,900 करोड़ रुपीज दिए गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डैश फाइटर एयरक्राफ्ट? तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो कितने फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उनको खरीदने का जो है प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है? यह है आपके 33, ठीक है, 33 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदे जाएंगे, वो रशिया से खरीदे जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा डिटेल है दोस्तों, कौन कौन से फाइटर खरीदे जाएंगे, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच IIT हैव डेवलप्ड अ वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम नेम मोबाइल मास्टर जी? कौन सा IIT है जिन्होंने एक वर्चुअल क्लासरूम डेवलप किया है जिसका नाम रखा गया है मोबाइल मास्टर जी, ठीक है। ये है आपके IIT कानपुर ने ये बनाया है, ठीक है दोस्तों। आज के डेट में जब ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहे हैं तो इसलिए इस तरीके के चीज़ें जो है लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि लोगों की स्टडी जो है वो बंद ना हो, वो कंटिन्यू रहे, ठीक है।
पूरा एकदम फुल फ्लेश तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी जो है चले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोडियम पोजिशन इन इन द इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस। तो कौन सा फर्स्ट इंडियन रहेगा जिनको कि पोडियम पोजिशन मिला है इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में, ठीक है। ये है आपके भरत पन्नू। भरत पन्नू हमारे इंडिया के साइकिलिस्ट है, बहुत ही जबरदस्त साइकिलिस्ट है दोस्तों। तो इनको जो है पोडियम पोजीशन मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संजय दाबोल, सॉरी संजय दोबल, हु पास्ड अवे इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। संजय दोबल हाल ही में उनका निधन हो गया, कौन से खेल से संबंधित थे? ये थे आपके क्रिकेट से, ठीक है। ये देख सकते हैं क्रिकेट से, ये मतलब हमारे जो घरेलू मैचेस होते हैं ना उसमें ये काफ़ी अच्छे खेलते थे, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ये आपका। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड SBM अर्बन MIS पोर्टल रिसेंटली। कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने SBM अर्बन MIS पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है? ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, हम और भी कंटेंट लाने वाले हैं और अच्छे क्वालिटी के कंटेंट लाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम आप लोग स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए। जय हिंद।